उधर गुरुग्राम के एसजीटी यूनिवर्सिटी में हुए ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में अब एक छात्र की मौत हो गई है। मृतक छात्र की पहचान एमएस फाइनल ईयर के विनीत के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद विनीत को गंभीर हालत में एसजीटी यूनिवर्सिटी के अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज के दौरान शामली के रहने वाले विनीत की मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस का कहना यही कि इसमें गर्लफ्रेंड का मामला सामने आया है। गुरुग्राम पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वो छात्र दुख की बात है कि इलाज के दौरान नहीं रहे। अब जो इसके अंदर है, कुछ और स्टूडेंट्स के नाम आए हैं इस फायरिंग इंसिडेंट में, जिनके खिलाफ FIR रजिस्टर करके जांच की जा रही है। कौन है मृतक, कहां का रहने वाला था, किस विवाद को लेकर सर ये मामला सामने आया? ये जो मृतक है यहीं का स्टूडेंट है, BAMS फोर्थ ईयर का। इनका नाम मैं इन्वेस्टिगेशन पर्पज से अभी डाइवल्ज नहीं करूँगा, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जल्दी इसके अंदर एक्यूट की गिरफ्तारी कर ली जाए। गुरुग्राम के SGT यूनिवर्सिटी में एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। वारदात 12 बजे से 1 बजे के बीच में बताई जा रही है। गुरुग्राम पुलिस इस वक्त मौके पर है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। दरअसल UP शामली का रहने वाला युवक, जो कि SGT यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का छात्र था, वो यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था कि तभी दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला लक्की नाम का एक शख्स यहाँ पर पहुंचा और किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद लक्की ने पिस्टल से उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हालांकि उसके बाद उसको SGT के इसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, गंभीर हालत में उसको यहाँ से ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान ये बताया जा रहा है कि विनीत की मौत हो गई है। विनीत UP के शामली का रहने वाला था। हालांकि अभी हत्या की प्रमुख वजह क्या रही है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है, तमाम जो सबूत हैं उनको अपने कब्जे में लिया जा रहा है। वारदात CCTV फुटेज में कैद हुई है, CCTV फुटेज भी गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लिए हैं, जिसमें हालांकि ये खुलासा नहीं है कि वारदात के वक्त कौन कौन लोग यहां पे मौजूद थे, लेकिन बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग लक्की के साथ मौजूद थे, जिसमें से 1-2 युवकों को या छात्रों को गुरुग्राम पुलिस ने राउंड अप भी किया है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जानकारी में यह बात भी सामने आई है कि जो हत्यारोपी है वो मौके से फरार हो गया है। विनीत को एक ही गोली लगी थी, जिसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हैं। हालांकि हत्या की प्रमुख वजह क्या रही या क्यों विनीत की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया इसका खुलासा होना अभी बाकी है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने मृतक विनीत के शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, जनता TV, गुरुग्राम।